हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो बेसिकली पार्ट वन और पार्ट टू दोनों का इंक्लूड किया है मैंने। यानी जितने भी हमारे बुक में एमसीक्यूज दिए गए हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। और टोटल लगभग 33 पेज का हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे 33 पेज दिख रहा है। हालांकि 33 पेज इसलिए है क्योंकि मैंने बीच बीच में यहाँ पे देखो गैप रखा, स्क्रीन शॉट एक्चुअली में मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एमसीक्यूज इसका कैसे सॉल्व करना है। और आपको जैसा कि पता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज नहीं बताने वाला। ऑलरेडी अगर आपने मेरा अकाउंट का वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं जो भी चीजें बताता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इसका यूज जो है ना वो थ्योरी में भी कर सकते हैं। इवन अगर जो क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर भी आपको यूज हो जाएगा, राइट। तो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जितना पॉसिबल होगा उतना एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर मान लो आ भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्या क्या एमसीक्यूज हैं। ओके, जैसे सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू जो हमारा इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर का अगर एमसीक्यू देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। क्या पूछा है यहाँ पे, जो मेन वर्ड है वो तुम्हें समझना जरूरी है। यहाँ पे बोला है विच मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म वेरियंसेस वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब लॉन्ग टर्म वेरिएशंस के लिए कौन सा इसमें से यूज होता है। चार मेथड है, एक चैन है, फिक्स है, लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर है, राइट। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर और पास्ट ईयर में तो फॉर्मूला है, वहां पे कहीं भी आप लोगों को ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ मतलब कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो बेसिकली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म किस में आ रहा है आपका, आएगा चैन बेस एंड फिक्स बेस। क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला शॉर्ट टर्म होगा और कौन सा वाला लॉन्ग टर्म होगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला शॉर्ट टर्म होगा कौन सा वाला लॉन्ग टर्म होगा, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ये आपका बुक का बुक ही है, इंग्लिश मीडियम का जो फर्स्ट पार्ट है वो है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इसमें। पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 7, 8, 9 और ये रहा 10। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दिस मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म। कौन सा मेथड? फिक्स मेथड की बात कर रहे हैं, राइट। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स मेथड, फिक्स बेस मेथड हो जाएगा। इसमें क्या बोला, दिस मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। इसका मतलब क्या है मैं वो भी समझा देता हूँ। देखो जैसा अगर आपको पता होगा तो हम लोग दो चीजें, दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक चैन बेस है और एक फिक्स बेस है। फिक्स बेस में क्या होता है, नॉर्मली हम किसी भी ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। नॉर्मली ईयर इज सिलेक्टेड। अब जैसे मान लो मेरे पास 2011, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पे मैंने 2011 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो 2011 को सिलेक्ट किया, ये कंटिन्यूसली 15 तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इसको बोला लॉन्ग टर्म वेरिएशंस को चेक करता है। बट चैन वेज में क्या होता है कि एवरी ईयर प्रीसीडिंग ईयर का काउंट करते हैं, मतलब एवरी ईयर हम लोग, जैसे आज अभी कौन सा ईयर है, 2022 है, तो प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से चैन वेज में प्रीसीडिंग ईयर का काउंट करते हैं, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा। तो याद रखना, अगर एग्जाम में गलती से शॉर्ट टर्म के लिए पूछ लेगा तो कौन आंसर होगा, चैन बेस, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच कंजप्शन इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर। क्या बोला है, विच कंजप्शन इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर। यानी लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन सा कंजप्शन यूज होता है। तो पहले मैं यहां पे एक फार्मूला लिख देता हूं, लास्ट ईयर पास्ट ईयर फिशर का, इसका लास्ट ईयर पास्ट ईयर और फिशर का, इनका जो एक फार्मूला है वो मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाता हूं। लास्ट ईयर का याद रखना है 1000, क्या याद रखना है 1000, पास्ट ईयर का याद रखना है 1101 यानी 1101 रुपए चंदा, और इसका इन दोनों का मिक्स। अब कैसे, इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। 1000 का मतलब पहले क्या होगा, P, फिर होगा Q, फिर डिवाइड में पहले P, फिर Q, इन अ सेम वे यहाँ पे भी पहले P, Q, P, Q, राइट। अब यहाँ पे बस लिख दो 1000 और यहाँ पे 1101, राइट, और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, वो तो होना ही है, उसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है इतना। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला हो जाएगा P1Q0 डिवाइडेड बाय P0Q0, और पास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1Q1 into 100। दैट्स व्हाई मैंने बोला यहाँ पे 1000 याद रखना है और यहाँ पे 1101 यानी 1101 रुपए याद रखना है, क्लियर है इतना। और फीसर की बात करते हैं तो फीसर का क्या होता है, तो फीसर का फॉर्मूला था IL into IP यानी दोनों का जो मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे जियोमेट्रिक वाला, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करके रूट में कर दोगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा फीसर का,
क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखते हैं वापस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है लास्ट ईयर का, किसका बोला है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है अगर उसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है लास्ट ईयर में एज अ एक्सपेंस। यहाँ पे देखो लिखा है ना कि विच कंजप्शन इज यूज इन द कैलकुलेशन लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर। अगर ध्यान दोगे तो कौन सा कंजप्शन यूज हुआ है, तो कंजप्शन यूज है क्यू जीरो। क्यू जीरो कंजप्शन कौन सा है, क्यू जीरो। पी का मतलब होता है प्राइस, यहां से सुना पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्राइस और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। क्लियर है, क्यू का मतलब क्या होता है क्वांटिटी। और इसको हम लोग सेकेंड वे में लिखते हैं कंजप्शन, क्या लिखते हैं कंजप्शन। तो कंजप्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, और Q कौन सा यूज हुआ है Q0 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 का मतलब होता है बेस ईयर। क्या होता है बेस ईयर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कंजप्शन ऑफ बेस ईयर। क्लियर है। इन सेम वे अगर मान लो पूछ लेता पास्ट का, तो पास्ट में कौन सा यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे Q1 है और यहाँ पे भी Q1 है, मतलब कौन सा हो जाएगा ये हमारा करंट ईयर का, यानी आंसर होगा कंजप्शन ऑफ करंट ईयर। क्लियर है, यानी दो एमसीक्यू में हम लोगों ने ऑलरेडी चार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बात समझ में। तो इन सेम वे मैं पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको आइडिया दे दिया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरा कुछ पढ़ना है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करो, आपको दूसरी जो चीजें पढ़नी वो पढ़ लो। रीजन ये कल ही एग्जाम है, बात समझ में, कल एग्जाम है तो मैं नहीं चाहता कि एक सेकंड भी आपका वेस्ट हो। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट का जो माइंड है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का जो स्टडी लेवल था वो स्टार्टिंग से लेके ही अलग था, बात समझ में। जो कहते ना समझने की कैपेसिटी होती है, क्वेश्चंस को देखने की कैपेसिटी होती है, वो सबका अलग अलग होता है, सबने अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस किया होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जरूरत है तो आप इसको एक बार देख सकते हो, 5-10 मिनट, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको देखने के लिए सही है या नहीं सही है। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन था, इससे आपको आइडिया रहे। उसके बाद यहाँ पे विच प्राइजेस आर कंसिडर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब पूछा है कौन सा प्राइस कंसिडर करते हैं, किसके लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो चलते हैं वापस बुक पे ही, यानी हमारा जो पार्ट वन का बुक है और पेज नंबर है हमारा 31। तो यहाँ पे मैं 34 लिखता हूँ, रीजन ये है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, देखो बोला ना 21, ये रहा 32, यानी 31 पेज नंबर में बोला था ये। देखो तो यहाँ पे पूछा है एक्सपेंस की बात किया है ना, कंजप्शन की बात किया था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो द बजट ऑफ फैमिली सिलेक्टेड इन द सैंपल इज स्टडीड, द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स कंज्यूम बाय देम, देयर कंजप्शन, लिस्ट ऑफ रिटेल प्राइसेस, the expenses incurred on them in place of purchases। मतलब ये बोला है फैमिली ऑफ बजट इंक्वायरी जो है, यानी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें जो फैमिली बजट इंक्वायरी करते हैं उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है हम लिस्ट ऑफ रिटेल प्राइस काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, लिस्ट ऑफ रिटेल प्राइस। और अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो सेकंड इसका तरीका बताता हूँ, आपने जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम लोग है ना प्राइस जो लेते हैं वो बेसिकली पर यूनिट कन्वर्ट कर देते, क्या कन्वर्ट कर देते, पर यूनिट। रीजन ये है कि हम लोग पी वन लिखते हैं, फिर क्यू वन लिखते हैं, पी जीरो लिखते हैं, क्यू जीरो लिखते हैं, और इसका बाद में मल्टीप्लिकेशन तो करते ही है ना, दैट्स वाई हम लोग क्या कर देते हैं पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। और पर यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, रिटेल प्राइस। तुम्हारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिटेल प्राइस। क्लियर है इतना, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम इज असाइंड एज अ वेट इन द मेथड ऑफ फैमिली बजट। क्या बोला है, विच एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम इज असाइंड एज अ वेट इन द मेथड ऑफ फैमिली बजट। बोला है वेट के तौर पे कौन सा इसमें से देते हैं, मतलब ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा देते हैं। तो इसका मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ कि जब फैमिली बजट की बात करते हैं तो फैमिली बजट में ना इसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, तो नॉर्मली हमारा लास्ट ईयर का ही यूज होता है, और उसका फॉर्मूला में डिवाइड में है पी जीरो क्यू जीरो। वेट पूछा है ना, राइट, वेट में क्या हो जाता है, पी जीरो क्यू जीरो होता है। इसका दो फॉर्मूला हो जाता है, एक होता है सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, राइट। तो सिग्मा डब्ल्यू का एक्चुअली वैल्यू क्या होता है, पी जीरो क्यू जीरो होता है, राइट। सिग्मा डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, पी जीरो क्यू जीरो। इसका मतलब ये हुआ, पी जीरो क्यू जीरो मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ कौन से ईयर का, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। क्लियर है, तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी, एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। समझ में आया, एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। उसके बाद नंबर 5 है,
विच एवरेज इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया कि IL इंटू IP करते हैं और ये रूट में बाद में इसको बंद करते हैं और इसको क्या बोलते हैं जियोमेट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको जियोमेट्रिक मीन। और क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द विच एवरेज इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज, तो याद रखना है जियोमेट्रिक मीन को बेस्ट एवरेज कंसिडर करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर या इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडेक्स नंबर गिव्स आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। क्या बोला है तो इसमें से जो ऑप्शन में दिया है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो तुम्हें डिनोट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल। अगर बात करते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल तो चार ऑप्शंस को अगर ध्यान में दोगे, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, क्वांटिटी ऑफ इंडेक्स नंबर ये भी हमने नहीं देखा है, फीसर्स इंडेक्स नंबर तो क्या फीसर्स इंडेक्स नंबर में कहीं भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हुई है तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, क्लियरली मेंशन कर दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो याद रख लेना है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्लियर है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स इन द करेंट ईयर एज अ कंपेयर टू द बेस ईयर, व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोला है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स इन द करेंट ईयर, मतलब ये है जो बेस ईयर का था, ध्यान से सुना, एज कंपेयर टू द बेस ईयर यानी जो बेस ईयर का था, तो एज्यूम कर लेते हैं बेस का कितना था, बेस ईयर का था 100। अब बोला है इसने जो करेंट ईयर में है वो कितना इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू बेस ईयर के 4.5 टाइम्स हो गया है। मतलब ये है अगर इसको मैं काउंट करता हूं तो ये कैसे हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 4.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा और ये 100 ऑलरेडी रहने वाला था यानी कितना हो जाएगा 550। क्लियर है तो अभी यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ऐसे बोलता है मान लो इट इज इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स, जब ऐसा वर्ड यूज करता है कंपेयर टू करके तो समझ जाना इसका मतलब ये है कि इसने पास्ट वाले को भी कंसिडर किया है। क्यों कंसिडर किया, क्योंकि इसने ऐसा बोला इसके कंपेयर में राइट नाउ जो है वो 4.5 टाइम है, राइट है, क्लियर है, कंपेयर टू बेस ईयर राइट नाउ जो है वो 4.5 टाइम्स ज्यादा है, बोला ना इंक्रीज हुआ है उससे ज्यादा है। अगर सीधा बोलते सिर्फ 4.5 टाइम्स है, नॉट ये इंक्रीज वर्ड नहीं यूज किया होता, सिर्फ बोलते 4.5 टाइम्स है तो मैं डायरेक्टली 4.5 मल्टीप्लाई कर देता, क्लियर है, तब आंसर होता 450, पर इसने बोला इंक्रीज बाय तो मतलब जो था तो वो है ही है प्लस इंक्रीज भी हो गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द परचेसिंग पावर, ध्यान से सुना क्या लिखा है, इफ द purchasing power of money is 0.75 in the year 2016, क्या बोला है if the purchasing power of money is 0.75 in the year 2016 with respect to the base year 2015 then what will be the price index number for the year 2016। अब पूछा है price index number क्या होगा 2016 के लिए, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है purchase power of money, sorry purchasing power of money, क्या दिया हुआ है यहाँ पे purchasing power of money, तो जब भी क्वेश्चन में कहीं भी purchasing power of money वर्ड यूज कर लिया हो या ऐसा लग रहा कि तुम्हें purchasing power वाला वर्ड यूज हो सकता है तो इसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे तुम्हें लिख देता हूँ, यह है क्वेश्चन नंबर 7, राइट। और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पेज नंबर 47 पे जाओगे तो वहां पे फॉर्मूला है, उसका मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, रुक जाओ, पेज नंबर 47 मतलब 50 तक जा सकता है, बोला ना 50 तक जा सकता है, ये देखो यहाँ पे देखो लिखे ना परचेसिंग पावर ऑफ मनी, क्या मेंशन किया है परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परचेसिंग, ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद भी हो जाए, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, सॉरी purchasing power of money is equal to 1/100 cost of living index, short में मैंने लिख दिया cost of living index number multiply by 100। अब questions में देखो कि question में क्या mention है पहले वो देख लेते हैं, तो question में mention है purchasing power of money 0.75, right? और पूछा है price index number पूछा है, तो price index number पूछा मतलब ये वाला पूछा ना cost of living index number, right? तो यहाँ पे purchasing power of money कितना दिया हुआ है 0.75 है is equal to 1/COA
COLI इंटू 100। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इधर हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 100। क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 100। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 100 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 133.33। क्या हो जाएगा आंसर, 133.33 ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में 133 पॉइंट कहाँ मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है 133.33। क्लियर है इतना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट का आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द पीपल ऑफ अ क्लास इज 200। क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द पीपल ऑफ क्लास इज 200। यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या मेंशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, आप थोड़ा ध्यान से समझना, वो मेंशन और कितना मेंशन है 200 फॉर द ईयर 2016 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है ये जानने के लिए कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा यानी क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे वर्ड यूज हुआ था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो चलते हैं पहले वो फॉर्मुला में वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या मिलने वाला है, अगर इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, 7 नहीं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला सेम रहने वाला, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, डायरेक्टली वैल्यू लिखता, तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी दिया है तो बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता परचेसिंग पावर ऑफ मनी, राइट, परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया कितना 200 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 100 / 200, तो 100 / 200 करोगे तो कितना जाएगा 0.5। इट मींस कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी इसका कितना आ गया, 0.5 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस में मेंशन है, तो यहाँ पे देखोगे तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी 0.5 मेंशन है ऑलरेडी, तुम्हारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। क्लियर है, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद चेक करो कि क्या क्या वैल्यूज मेंशन है, उसके बेस में फॉर्मूलाज लगाओ और देखो कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें बहुत सारी आंसर्स जो है वो अपने आप डायरेक्टली मिल जाएंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। समझ में आया, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ आई पी इज इक्वल टू आई एफ। क्या बोला है, इफ IP is equal to IF, IP का मतलब पास श्योर, F का मतलब फिसर, which of the following statement is true? अब बोला कि इन दोनों में से कौन सा राइट होगा, तो मैं यहाँ पे ही सॉल्यूशन कर देता हूँ, यहाँ पे काफी जगह है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि IP is equal to IF, तो एज्यूम करते हैं कि IP is equal to IF, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 10। सॉल्यूशन कहीं भी कर देना जहां जगह मिल रहा है, आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, अगर चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा इतना हुचपुच टाइप का हो गया, बहुत ज्यादा मिक्स है, तो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे बता देना, मैं तुरंत ही सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन। IP is equal to IF, मतलब मैं इसको भी 100 assume कर लेता हूँ और इसको भी मैं 100 assume कर लेता हूँ, तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, फिसर का फॉर्मूला क्या होता है, फिसर का फॉर्मूला होता है IP into IL, यानी लास्ट ईयर into पास्ट ईयर होता, तो मैंने लिख दिया IP into IL। अब IF की वैल्यू कितना है, 100 है, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 100 into IL, अब तुम्हें पता है यहाँ पे रूट आ गया, राइट, और यहाँ पे 100 है, तो हमको क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर, राइट, यानी बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 into 100, स्क्वायर कर दिया ना, यानी 100 into 100 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर करने पे रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा IL, अब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा 100 × 100 / 100, और ये 100 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा IL होगा वो भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इट मींस कि अगर ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन की वजह से हमें क्या पता चला कि IP is equal to IF is equal to IL, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 10th का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मेंशन है, 11 में मेंशन किया इफ द एवरेज डिस्पोजल इनकम ऑफ फैमिलीज ऑफ अ क्लास इज 20,000 इन द ईयर 2013। ध्यान से सुनना, एवरेज डिस्पोजल इनकम ऑफ फैमिलीज ऑफ अ क्लास इज 20,000 in the year 2013, and if the cost of living index number of that class for the year 2015 with the base year 2013 is 130, what should be the average disposal income of the families of this class in the year 2015? अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होता है, बट मैं बिना फॉर्मूला के ही आपको समझा देता हूँ, बस याद क्या रखना है कि जब भी क्वेश्चन के, राइट,
क्या याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको एक से ज्यादा वैल्यू मेंशन हो, राइट, तो याद रखना बिना फॉर्मूला के भी आप कई सारी चीजें कर सकते हो, वो कैसे होगा वो मैं समझा देता हूँ। लेकिन बाकी अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा परचेसिंग पावर ऑफ मनी, दोनों ही क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल वैल्यू मेंशन था, इसमें देखोगे तो इसमें भी सिर्फ एक ही वैल्यू मेंशन था और इस वाले में देखोगे तो इसमें भी सिर्फ एक ही वैल्यू मेंशन था, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं हुआ। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू मेंशन है, तो कौन कौन सा वैल्यू मेंशन है चलते पहले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या मेंशन है कि बोला है 20,000 इन द ईयर 2013, बोला ना इनकम कितना था 20,000 इन द ईयर 2013, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2013 में जो इनकम था वो कितना था 20,000। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास फॉर द 2015, और सेम क्लास का जो इंडेक्स नंबर था 2015 में वो कितना था कंपेयर टू 2013, कितना था 130। इट मींस कि 2015 में इसी क्लास वालों का इंडेक्स नंबर कितना था 2015 में, इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता इंडेक्स, इंडेक्स कितना था 130, राइट, इसको मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ, इंडेक्स नंबर कितना था 130। बात समझ में आया, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है कि व्हाट शुड बी एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिलीज इन द क्लास ऑफ दिस क्लास इन द ईयर 2015। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 2015 में इसका डिस्पोजल इनकम क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, हमें 2013 का इनकम मेंशन किया है और वो कितना 20,000 मेंशन है, 2015 का इंडेक्स नंबर मेंशन है, पर हमें 2013 का इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं है, 2015 का पूछा है, तो याद रखना बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है वो ऑलवेज कितना होता है 100 होता है। ये ऑलरेडी हमने स्टेट्स में पढ़ा होगा कि बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो ऑलवेज कितना होता है 100 होता है, तो अगर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होता है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 100 लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखो, ये वाला तो हमने अकाउंट्स में काफी किया था, आपको आइडिया भी होगा, हमें क्या करना है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 130, दिख रहा है ना 20,000 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा 26,000 हो जाएगा, क्लियर है, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 26,000, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 26,000, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे तो कुछ क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, इवनिंग आपके एग्जाम्पल्स में भी काफी सारे क्वेश्चन मेंशन है, आप चाहो तो इजिली उनको चेक करके देख सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है या ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वेट इज असाइंड, यहां से सुनना, व्हाट वेट इज असाइंड, कौन सा क्या पूछा, वेट कौन सा साइन होता है एज द एक्सपेंडिचर टू द प्राइस रिलेटिव टू P1 P0 ऑफ द आइटम्स टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर अ पास्ट ईयर इंडेक्स नंबर। मैंने ऑलरेडी बता दिया था पास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, और यहाँ पे पूछा भी है, क्या पूछा है कि कौन सा वेट असाइन करते हैं, वेट का मतलब मैंने क्या बोला था कि डिवाइड में क्या लिखते हैं, तो ऊपर एक बार चलते हैं तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पे देखो, ये रहा पास्ट ईयर का फॉर्मूला, दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं कोई और कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये रहा पास्ट ईयर का फॉर्मूला, और डिवाइड में देखोगे तो वेट क्या असाइन हुआ है P0 Q1, किसको, पास्ट ईयर को वेट क्या असाइन हुआ P0 Q1। अब चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं P0 Q1 कहाँ पे मेंशन है, तो P0 Q1 मेंशन है क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा P0 Q1, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख दिया, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख लोगे तो आपको बहुत सारे आंसर मैच हो जाएंगे, राइट, क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू, अब चलते हैं सीधा सेकंड चैप्टर पे, आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, उसमें चैप्टर नंबर 2 में काफी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, अभी जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे उतना एक्सप्लेनेशन इंक्रीज होते जाएगा, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 की, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द कोरिलेशन व्हाट डू यू कॉल द ग्राफ इफ द पॉइंट्स ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन आर शोन इन अ ग्राफ, क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट विद द कोरिलेशन व्हाट डू यू कॉल द ग्राफ, ग्राफ को क्या बोलोगे इफ द पॉइंट्स ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन एक्स वाई आर शोन इन अ ग्राफ, अगर एक्स वाई को ग्राफ पे शो किया है तो उस पेयर उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या नाम है उसका, तो इसका मैं तुम्हें आंसर दिखाता हूँ थोड़ा थ्योरी पहले, तो थ्योरी इसका जो पेज नंबर 61 पे है, तो चलते 61 पे देखते हैं थोड़ा, 61 ये रहा, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ये रहा
अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है थ्योरी के तौर पे। यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, सपोज x1, y1, x2, y2, जो भी है आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ n वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x ऑन x एक्सिस, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y ऑन y एक्सिस आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ बाय टेकिंग प्रॉपर स्केल। याद रखना ये डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। याद क्या रखना है कि ऐसे x1 y1 डैश डैश करके xn y1 तक वैल्यूज है आपके पास, n के दो वैल्यूज है, n वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, क्लियर है, जिसको हमने नाम दिया xn y। x को कहाँ पे डिनोट करना, x एक्सिस पे, एंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y ऑन y एक्सिस आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ बाय टेकिंग प्रॉपर स्केल। ग्राफ पे डिनोट किया, वो भी कैसे, प्रॉपर स्केल से। सो द ग्राफ showing the plotted points corresponding to the pairs, you are seeing pura upar wala copy, is called scatter diagram। yaad rakhna usko hum kya naam se bol jante hain, scatter diagram, clear hai। to scatter diagram basically jo uska definition hai wo bhi maine yahan pe bata diya। scatter diagram ka matlab kya, x and y, jo x and y hota hai, x1 y1 aisa jo information hai, jo hamara n values uske jo do variables hai, x ko x axis pe denote kiya, y ko y axis pe denote kiya, wo bhi properly with the help of scales on a graph, right? Or the graph showing the plotted points corresponding to the pairs is called scatter diagram, clear है? तो इसमें हमारा जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा option number 3, scatter diagram, clear है? उसके बाद next है, which kind of correlation exists if the following scatter diagram is of two variable x and y। अब यहाँ पे ये दो question है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा basic इसका explain कर देता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ये हो गया तुम्हारा x and y, ठीक है, चलो तो यहीं पे चारों एक साथ ही बना देता हूं। अब यहां पे देखो क्या पूछा है, एक मिनट, हाँ। अब यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है और ये एक्स है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना इसका कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें चार तरह के डायग्राम बनते हैं। एक ऐसा होता है, ये ऐसे ऐसे जाता है, इट मींस कि ऑल वैल्यूज आर ऑन सिंगल लाइन, राइट है। और उसी तरह से सेम इसमें भी होता है, ऐसे ऐसे करके सीधा नीचे आता है। लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी है बट अब उसको ध्यान से सुनना। फिर एक इसमें ऐसे होता है, ऐसे से ऊपर जाता है, कहीं भी ऐसे ऐसे जाता है, मतलब कहीं भी हो सकता है, ठीक है, पर वो ये जो हमारी लाइन है ना उसके आसपास होता है, सेम वे ऊपर से ऐसे ऐसे से कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो ये जो लाइन होती है उसके आसपास होता है, क्लियर है। यानी टोटल चार प्रकार के, तुम मतलब टोटल चार टाइप्स के जो है वो डायग्राम मेंशन है। अब इन चारों का नाम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में याद रखना ऑलवेज जो वैल्यूज है ना वो कहाँ से जाएगा, लेफ्ट टू राइट, किधर से जाएगा, लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट, ध्यान से सुनना इसको, ओके। इसका भी जो वैल्यूज है वो लेफ्ट टू राइट ही जाता है, इसलिए इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और इसका भी जो वैल्यू है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब जितने भी वैल्यूज हैं, ईच एंड एवरी वैल्यूज आर गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डिफरेंस क्या है, तो इसका वो ध्यान से सुनना। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सारी जो वैल्यूज होते हैं वो कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट में जाते हैं। अभी जो इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर ध्यान से देखो तो जो मैंने ग्राफ बनाया वो कैसे बना, मैं ऐसे 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 लेकर गया, राइट, मतलब कौन से साइड से लेकर गया, मैं नीचे से ऊपर लेके गया, नीचे से ऊपर, इसका मतलब इसको बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। और इसको मैं कैसे लेकर आया, ऐसे ऐसे लेकर आया, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो यहां पे सेम होगा, फर्स्ट अपवर्ड होगा, सेकेंड वाला डाउनवर्ड होगा, इसमें भी सेम अपवर्ड है और देन इसमें क्या है, डाउनवर्ड, क्लियर है इतना। अब थोड़ा और ध्यान से सुना, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी वैल्यूज है वो सिंगल लाइन पे है, तो ऑल वैल्यूज आर ऑन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन बोला या जो लाइन हमने डिनोट किया उस पे, पर यहाँ पे मैं सिर्फ समझने के लिए मैं क्या लिख दिया, सिंगल लाइन। यहाँ पे भी सेम है, ऑल वैल्यूज
आर ऑन सिंगल सिग्नल नहीं सिंगल, यहां से सुना ये थियोरी तुम लोगों को काम आएगा, सिंगल लाइन वैल्यूज आर, अब इसमें क्या सिंगल लाइन पे, नहीं नहीं दे आर अराउंड द लाइंस राइट, सो वैल्यूज आर अराउंड द लाइंस नॉट ऑन लाइंस, अराउंड द लाइंस इट मीन्स की वैल्यूज जो है वो आसपास हैं बट एग्जैक्टली लाइन पर नहीं है. इन अ सेम वे इसमें भी जो है जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज आर अराउंड द लाइन, अराउंड द लाइंस. क्लियर है इतना? अभी ध्यान से सुनना, एक्चुअली जब हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास दो वैल्यूज है एक्स एंड वाई, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग को फाइंड आउट करना होता है. ध्यान से सुना, इनके बीच में क्या रिलेशन है हम लोगों को वो फाइंड करना होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है या नहीं है, या पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, या परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना होता है. बट उसके पहले देखना ये होता है कि इनके बीच में रिलेशन है भी कि नहीं है. तो रिलेशन होने का मतलब क्या होता है वो देखो, यहाँ पे मैंने टोटल तीन पॉइंट्स मैंने बताया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. नंबर टू है अपवर्ड डायरेक्शन. याद रखना कि जो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है इसका मतलब ऑल वैल्यूज आर ऑन सिंगल लाइन, और ये डाउनवर्ड जा रहा है और ऑल वैल्यूज आर ऑन सिंगल लाइन. ये अपवर्ड जा रहा है बट ऑल वैल्यूज आर नॉट ऑन द लाइन, दे आर अराउंड द लाइन. इन द सेम वे इस वाले में भी डाउनवर्ड जा रहा है बट वैल्यूज आर नॉट ऑन द लाइन, इट मीन्स दे आर अराउंड द लाइन. जब वैल्यूज है ना कहां जा रही है, अपवर्ड जा रही है, मतलब ऊपर से नीचे. ध्यान सुना, व्हेन द वैल्यूज आर गोइंग अपवर्ड्स राइट, अपवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, पर वैल्यूज आर ऑन अ सिंगल लाइन, ये मेन वर्ड है, वैल्यूज आर ऑन अ सिंगल लाइन. तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव परफेक्ट रिलेशन है, कोरिलेशन एक्चुअली. ओके, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लिखते हैं, सॉरी परफेक्ट पॉजिटिव, और यहां पे परफेक्ट नेगेटिव, यहां पे पार्शियल. पार्शियल क्यों बोला, ये पॉजिटिव रिलेशन है, ध्यान से देखो, तो ये अपवर्ड में जा रहा है ना, तो यानी जितने अपवर्ड वाले हैं, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं, जो अपवर्ड वाले हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है, और जो डाउनवर्ड वाले होते हैं, कौन से वाले, डाउनवर्ड वाले, उनके बीच में बेसिकली कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है. क्लियर है? तो ये अपवर्ड है, ये रहा डाउनवर्ड अगेन, तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव, बट कौन सा, पार्शियल. क्लियर है? और जो हमारे अपवर्ड वाले होते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या यहाँ पे लिख दूंगा, पॉजिटिव, बट कौन सा पॉजिटिव है, पार्शियल. रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये पूरी तरह से एक लाइन पर नहीं है, तो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन. क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बेसिक्स याद रखना है. अच्छा, और कुछ बता देता हूं मैं, जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, इसकी जो वैल्यूज होती है वो ऑलवेज प्लस वन होंगी. क्या होंगी, प्लस वन, इट मीन्स की परफेक्ट है तो वो वन हो जाएगा, और परफेक्ट नेगेटिव है तो ये वन तो है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन वो कैसा है, माइनस में है. क्लियर है? और पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि दे आर लेस देन पॉजिटिव वन. क्लियर है? दे आर लेस देन पॉजिटिव वन बट ग्रेटर देन जीरो. क्लियर है? दे आर ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पे मैं लिखता जीरो, जीरो लेस देन आर लेस देन प्लस वन. क्यों ऐसा मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि जीरो से तो ज्यादा ही होगा ना, पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है जीरो से ज्यादा होगा, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस वन से कम होगी. क्लियर है? ठीक है. उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज जो होता है ना वो माइनस में होता है. कैसे होता है, ऑलवेज माइनस में, बट 100% माइनस वन नहीं होता है, माइनस वन से भी कम हो सकता है, मतलब माइनस 0.25 माइनस 0.5 ऐसा भी हो सकता है राइट. तो क्लियर याद रखना है कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो राइट, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन आर, सॉरी लेस देन माइनस वन, ये याद रखना है. क्लियर है इतना? ये पूरा एक मिनट, ये पूरा मैं रहने देता हूँ, सिर्फ तुम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ. एक सेकेंड, more than zero but less than one, ठीक है, in the same way, but ये more नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, less than zero.
लेस देन जीरो, क्लियर है? इन द सेम वे लेस देन माइनस वन, इसमें दोनों में क्या होने वाला है, लेस होने वाला है, बात क्लियर है? तो ये याद रखना है तुम लोग को, ये इतना थ्योरी जो है इस चैप्टर में तुम्हें इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, गलती से छोटा हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो क्या मैंने एक्सप्लेन किया कि टोटल चार डायग्राम बनता है, स्कैटर डायग्राम, एक क्या बनेगा, एक सिंपल लाइन में होगा नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, राइट? तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज करना है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड वाले में अभी नंबर वन में देखते हैं, नंबर वन में क्या है, लेफ्ट टू राइट है और अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड ऑल वैल्यूज आर ऑन अ सिंगल लाइन, इट मींस कि जो रिलेशन है वो कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, क्लियर है? एंड वैल्यूज क्या होंगे, प्लस वन, और यहाँ पे देखोगे लेफ्ट टू राइट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे से और ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम है डाउनवर्ड, और ऑल वैल्यूज आर ऑन अ सिंगल लाइन, जितनी भी वैल्यूज है सब सिंगल लाइन पे, इट मींस दे आर परफेक्ट नेगेटिव, और परफेक्ट नेगेटिव तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेफ्ट टू राइट, यानी थर्ड नंबर, ये था सेकंड नंबर और ये रहा आपका थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या लेफ्ट टू राइट है, अपवर्ड है, पर ध्यान से देखोगे जो वैल्यूज आ रहे अराउंड द लाइन, मतलब दे आर नॉट ऑन लाइन, इट मींस कि अगर पहली बात तो अपवर्ड है, अपवर्ड है मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, बट ये कैसा पॉजिटिव रिलेशन है, ये पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, क्लियर है? इन अ सेम वे अगर इसमें देखोगे तो लेफ्ट टू राइट है यानी फोर्थ नंबर में, लेकिन जो हमारा लाइन है वो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जाने का मतलब ये हुआ, जैसे डाउनवर्ड वर्ड यूज किया इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बट ये कैसा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव है, क्लियर है? और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, जीरो और एक के बीच में होती है, समझ में आया क्या बोला मैंने, जीरो और एक के बीच में होती है। अब चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस इसकी हेल्प से हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है विच काइंड ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम इज ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर ध्यान से देखो तो सिंगल लाइन पे मेंशन है, अगर सिंगल लाइन पे मेंशन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम इज ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इसको बोलेंगे डाउनवर्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड का मतलब हो जाएगा नेगेटिव, क्लियरली एक्सप्लेन किया डाउनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले तो पहले ही कैंसिल हो गए, अब बचे दो नेगेटिव वाले, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिंगल लाइन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्शियल वाला हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन। जो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, अगर सिंगल लाइन पर है, कहां पर है, सिंगल लाइन पर ओनली, और बोला है आर के सारे पॉइंट्स, तो बोर्ड पे बोर्ड बोलना सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखो सिंगल लाइन पे, तो सिंगल लाइन में दो है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों की दोनों सिंगल लाइन पर ही है, और दोनों की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू प्लस वन है और एक की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, क्लियर है? एक की वैल्यू प्लस वन है और एक की वैल्यू माइनस वन, यानी जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछोगे सर ये कैसे होगा, इसका रीजन ये है कि एक की वैल्यू प्लस वन और उससे कम हो सकता है, और एक की वैल्यू माइनस वन और उससे ज्यादा हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है, क्लियर है इतना, मतलब जीरो तक पहुंच सकता है, इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वन और प्लस वन के बीच में, क्लियर है? तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, माइनस वन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू वन, ओके, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल वेट इज केजी एंड दैट ऑफ हाइट इज सेमी इन सेंटीमीटर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजरमेंट यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम। तो एक बार बता दूं मैं, जब हम लोग ने आर की वैल्यू फाइंड आउट किया, मतलब आर की जो वैल्यू मैंने बताया, प्लस वन बताया, माइनस वन बताया, राइट, लेस देन, तो यहाँ पे मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिखा, मतलब ये नहीं बोला कि किलोग्राम होगा, वेट होगा, हाइट होगा, डजन होगा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। सो इट मीन्स कि जो हमारा आंसर होगा इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो याद रखना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो वैल्यूज आती है उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू का मतलब क्या है कि कोई यूनिट नहीं होता है, बात समझ में आया, कि कोई यूनिट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन इफ द टू वेरिएबल्स आर वेरिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोला है, इफ टू वेरिएबल्स आर वेरिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो वेरिएबल है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक कम हो रहा है तो एक ज्यादा हो रहा है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ, यही जो लाइन एक्सप्लेन किया इसी में, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है अगर एक इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझो, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है मतलब अच्छी बात है। अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भले डिक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ से जो रिलेशन इनके बीच में पॉजिटिव है ना, मतलब एक रो रहा है तो दूसरा भी रो रहा है, एक हंस रहा है तो दूसरा भी हंस रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, बात समझ में आए। ऐसे दिमाग में रखना है। और उसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड वाले का, यानी कि ये वाला क्वेश्चन नंबर टू का, मतलब डायग्राम नंबर टू, तो इसमें क्या नेगेटिव रिलेशन है, तो नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे बोला है कि टू वेरिएबल्स आर वेरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी मैंने क्लियरली समझा दिया अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और ये कौन सा नेगेटिव है, परफेक्ट नेगेटिव। अब पूछेंगे परफेक्ट नेगेटिव क्यों, तो यहाँ पे डायरेक्शन कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में बोला है, राइट। इसका याद रखना परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है। अब क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला है, What does the numerator indicate in the formula for calculating the correlation coefficient by Carl Pearson's method? बोला है what does the numerator indicate in the formula? बोला numerator में जो values है वो क्या indicate करता है। तो numerator का मतलब कैसा होता है, जैसे अगर कोई values है, जैसे मान लो ये a divided by b लिखा हुआ है, तो ये जो होता है इसको numerator बोलते हैं और इसको denominator बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता है ये numerator होता है और ये denominator होता है। अब तुम्हें क्या करना है कि जो यहाँ पे Carl Pearson के जितने भी formulas है उनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तो फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा तो तभी तभी आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे चलते थोड़ा हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। जो फॉर्मूला है वो सबसे लास्ट में है, पेज नंबर डायरेक्टली लिख देता ना, जहाँ पेज नंबर 107 103 104 105 6 7 ये रहा। तो ये देखो यहाँ पे Carl Pearson मेथड दिया हुआ है, राइट। और Carl Pearson के में टोटल कितने मेथड है, 6 क्वेश्चन, आई मीन 6 फॉर्मूलाज है, जिसमें से तुम्हें ध्यान कौन सा रखना है वो देखो। स्टार्टिंग के जो चार फॉर्मूलाज है ना, बस वही मेन है, स्टार्टिंग के चार फॉर्मूलाज। अगर स्टार्टिंग के चार फॉर्मूलाज देखो तो पहले वाले में लिखा है कोवेरियंसेस डिवाइडेड बाय एसडी ऑफ एक्स इनटू एसडी ऑफ वाई। कोवेरियंसेस एक्स वाई यानी कि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, एस एक्स इनटू एस वाई हो जाएगा। क्लियर है? यानी ये जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे कोवेरियंस लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और इसमें क्या लिखा हुआ एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और यहाँ पे एन इंटू यू वी, यानी सेम टू सेम ये फॉर्मूला है, बस एक्स के बदले में यू और वाई के बदले में वी हो जाता है। ओके, यानी ये दोनों फॉर्मूला तो सेम ही होते हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे अगर देखो चारों फॉर्मूला हमने देखा, अब चलते एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में लिखा प्रोडक्ट ऑफ वेरियंसेस ऑफ एक्स एंड वाई, वेरियंसेस मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस है, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे अगर एक्स एंड वाई का डिफरेंस जो है, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का तो डिफरेंस हमने प्रोडक्ट लिया ही नहीं है कहीं पे भी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी में कोवेरियंसेस ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा ना सी ओ वी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स x into sy, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b covariances of x and y, क्या हो जाएगा covariances of x and y। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, which of the following values is not possible as a value of r। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया कि यही आर का वैल्यू होता है माइनस वन और प्लस वन के बीच में। इट मींस कि अब यहाँ पे रीड करोगे तो माइनस वन और प्लस वन के बीच में, तो यहाँ पे 0.99 यस पॉसिबल है, माइनस 0.17 ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 0.85 माइनस में पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 1.07। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा है इफ यू इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी एक्स, यहां से सुनना क्या बोला है, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी एक्स एंड वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय सी वाई, वेयर सी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड सी वाई इज ग्रेटर देन जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन जो दूंगा उसका मैं तुम्हें सबसे पहले एक थ्योरी थोड़ा दिखाता हूँ। तो थ्योरी जो है वो कौन से पेज नंबर पे है, 72 पेज नंबर। तो चलते हैं पहले 72 इसमें 72 नहीं जाना था, बुक में 72 जाना था, ये रहा बुक और ये रहा मेरा 72 होगा, लेकिन बुक में 68 है, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स व्हाई।
ये रहा ये जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाते हैं। तो एक बार मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता, इससे तुम्हें बहुत सारी चीजें आइडिया लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। हाँ, ये रहा 7 नंबर। देखो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले नंबर वन, द वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। याद रखना है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यूज होती है वो कहाँ पे लाई करती है, ऑलवेज -1 से +1 के बीच में। यानी कि आंसर क्या हो जाए, -1 < r < 1। ये जो ऑलरेडी हमारा एक क्वेश्चन में आ चुका है। दूसरे में क्या लिखा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये भी ऑलरेडी हम लोगों को पूछ लिया था, ये भी याद रखना है। व्हाट एवर मे बी द यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल एक्स डज नॉट आर डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर ये भी हमारा आ चुका था। उसके बाद लिखा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई इज द सेम एज द वन ऑफ वाई एंड एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आर ऑफ एक्स वाई होगा तो आर ऑफ वाई एक्स भी सेम ही होने वाला है। मतलब जो वैल्यूज इसकी होगी एक्स वाई की, वही वैल्यू क्या होने वाली, वाई एक्स की होने वाली है। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज। अब याद रखना, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब ऐसा बोला है कि अगर डज नॉट चेंज विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, मतलब ओरिजिन और स्केल के चेंज होने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूछोगे सर ओरिजिन और स्केल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें सिंपल वे में लिख देता ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख देता ओरिजिन, या ओरिजिन भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, कि ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जिसको मैं यहां पे लिख देता एड एंड सब्सट्रैक्टेड, द एडिशन और डिडक्शन, राइट। याद रखना, उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब बात करते हैं स्केल। स्केल का मतलब होता है, अब आइडिया तो लगी होगा, अगर एडिशन सब्सट्रैक्टेड उसमें आ गया तो बचा क्या, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। ओके, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सिंबल में मैंने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। ये किसका मतलब होता है, स्केल का मतलब होता है। बात समझ में आया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा भी, एक्सप्लेन भी किया इसका रीजन क्या है। Suppose the correlation coefficient R is to be obtained between x variable x and y. Now first we define the new transformed variables u and v as follows. मतलब u और v find out किया, और जो already हम लोग question में mention है, u is equal to x minus a divided by cx and v is equal to yb minus cy, where a, b, c, x, c, y are suitable real constant. Constant का मतलब यहाँ पे कैसा है, इनकी जो values होंगी वो zero से ज़्यादा ही होने वाली है। Now this property R implies that correlation between u and v and the one between x and y are equal, that is r u v and r x y is equal to r. It means कि अगर ऐसा कोई relation है, origin और scale वाला matter है, origin और scale वाले की वजह से कि आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, इनका जो values होने वाला है वो always क्या रहने वाला है, always same रहने वाला है, clear है। तो हमारा जो question है, अब चलते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। अब question में पूछा है which of the following statement is correct, तो कौन सा statement correct हो जाएगा, तो हम लोगों ने अभी चेक किया और रीड किया और उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब r u v और r x y क्या हो जाएगा, R के इक्वल होगा, मतलब इज इक्वल टू R, या इसका मतलब तीनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। बात समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ R X Y इज इक्वल टू 0.7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R X प्लस 0.2 Y प्लस 0.2। और अभी देखो इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ओरिजिन में कुछ भी चेंजेस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोगों ने क्या किया, इसको 0.02 प्लस किया, 0.02 प्लस किया, और यही तो हम लोगों ने रीड किया कि अगर तुम ऐड करते हो तो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐड करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है, जो पहले था वही रहेगा। तो अगर आंसर 0.7 है तो हम लोग का भी कितना रहने वाला, 0.7, यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में लिखा है इफ आर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू -0.5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। अब एक बात याद रखना, इसमें एक माइनस था, इसमें भी एक माइनस है, मतलब एक्चुअली में कुछ चेंज हुआ नहीं है, पहले एक्स माइनस था अब वाई माइनस है, तो जो पहले आंसर रहा होगा वही अब भी आंसर रहने वाला है। आया समझ में। अब कैसे होगा इसका, तो ये भी मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ, बुक में ही मेंशन है, तो सेम पेज पर ही है। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 68 कहाँ गया, हाँ ये रहा, सॉरी 69 पे है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अगर r माइनस एक्स वाई है तो ये इसका मतलब ये होता है, और x माइनस वाई का मतलब क्या होता है, ये होता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं,
कहने का मतलब है कि अगर कोई एक वैल्यू माइनस में है तो आर का जो आंसर आएगा वो कैसे होगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पे भी देखो एक वैल्यू माइनस में है तो आर का आंसर कैसे आया, माइनस में आया। इसका मतलब दैट इज इफ द साइन ऑफ एनी ऑफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई चेंज, क्या बोला है, एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल, मतलब किसी एक का चेंज किया है तो जो आंसर होगा वो कैसा रहने वाला है, सॉरी एक का चेंज किया तो आंसर सेम रहने वाला है, लेकिन अगर दोनों का चेंज किया है जैसे माइनस एक्स और माइनस वाई हो गया ना, उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज प्लस में, दैट इज द साइन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स चेंज, द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज। मतलब क्या है वो देख लो एक बार, उसको वापस एक बार रीड करते हैं। If the sign of any of the two variable x and y change, then the sign of correlation coefficient also changes. अगर एक का चेंज किया है तो correlation coefficient का चेंज हो जाएगा। If the sign of both the variables are changed, then the sign of correlation coefficient remains unchanged. मतलब ये है कि अगर दोनों में चेंज कर दिया, राइट, देखो ये दोनों में चेंज कर दिया, r की वैल्यू क्या है, प्लस में ही है ना, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में चेंज किया, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, दोनों में से ये देखो दोनों में से किसी एक ने चेंज किया तो आंसर क्या आने वाला है, आर, मतलब ये चेंज हो गया, और अगर इन दोनों में से चेंज किया तो इसमें भी क्या आने वाला आंसर, माइनस आर, लेकिन दोनों में चेंज कर दिया है, ये था वन ऑफ द वेरिएबल, लेकिन ये क्या है, बोथ ऑफ द वेरिएबल, और दोनों में चेंज किया तो मतलब आंसर जो आर होगा वो क्या रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम रहनी है, आर प्लस में ही रहने वाला है। बात समझ में आया, तो यही एक कंसेप्ट है जो तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज के पांच पॉइंट्स है, ये पांच के पांचों पॉइंट्स याद रखना है, क्लियर इतना। तो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसका कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है इसका, ठीक है, फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एन स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे लिखते हैं वन माइनस सिक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जीरो डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना है, कौन सा वाला, ये वाला, सिग्मा डी स्क्वायर को जीरो, वही मेन है, और डिवाइडेड बाय एन एन स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे सिक्स इंटू जीरो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो के डिवाइड में कुछ भी रखो तो वहां पे क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। मतलब ये हुआ कि ये जो वन माइनस कंटिन्यू आने वाला है, तो वन माइनस जीरो करोगे तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा वन आ जाएगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इन यूजुअल नोटेशन आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई फॉर ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अगर आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, मतलब आर एक्स की और आर वाई की दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसके लिए मैं थोड़ा तुम्हें थियरी दिखा दूं जिसमें तुम्हारे तीन क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 97 पे। 97 का मतलब ये है तुम्हारी बुक में 97 है, लेकिन मेरा यहाँ पे हो जाएगा 102 शायद, 101 हो गया, 97 ये रहा, ये जो नोट है ना 97 पेज नंबर पे, इसको अच्छे से समझ लें। अब इसमें देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ डिफरेंस इन आर एक्स एंड आर वाई इज ऑलवेज जीरो, इट मीन सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑलवेज जीरो, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या बोला है, इफ आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, जो हमारा क्वेश्चन है, आर एक्स और आर वाई अगर फॉर ईच पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डी विल बी जीरो एंड हेंस सिग्मा डी स्क्वायर विल बी जीरो, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ आर विल बी वन। अब ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ डिफरेंसेस बोला है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला है सम ऑफ डिफरेंसेस, यानी सिग्मा डी कितना होता है, ऑलवेज जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे बोले आर एक्स और आर वाई इक्वल होगा अगर, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ डी होगा, मतलब जो डिफरेंस होगा डी, यानी कि सिर्फ डी जो हमने डी फाइंड आउट कर दिया ना, वो भी क्या होने वाला है, जीरो। अगर वो भी जीरो हो रहा है तो इसका मतलब सिग्मा डी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसी केस इसी प्रॉब्लम की वजह से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, जो हमारा एक क्वेश्चन था। फिर लिखा इफ द रैंक आर एक्स एंड आर वाई, ध्यान सुनना, इफ रैंक आर एक्स एंड आर वाई इन एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर देखो 18 में दिया भी है, तो एक बार चल के 18 इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये कौन सा इलस्ट्रेशन, 23, 21, ये कौन सा है, 18, हाँ ये देखो है ना, ये देखो 2, 5, 1, 4, 3, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है,
ये थ्री है, ये थ्री है, मतलब देखो रिवर्स ऑर्डर में ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो सॉरी ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, मतलब देखो जस्ट अपोजिट है, मतलब जो वैल्यूज है ना टोटल, अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे पूरी वैल्यूज को, ठीक है 25143 और यहाँ पे भी 41523, मतलब सेम वैल्यूज है बट क्या है ऊपर नीचे है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा इसका मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा, समझ में आया। अब चलते हैं थोड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बोला है इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इन आर एक्स और आर वाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो अभी हम लोगों ने रीड कर लिया, आंसर हो जाएगा 1, यानी 14 का क्या हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंसेस, सम ऑफ डिफरेंसेस यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इफ द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर, तो यहां पे एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर है तो एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, बात समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है इन यूजुअल नोटेशन विच टर्म इज एडेड इन सिग्मा डी स्क्वायर फॉर ईच रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, तो कौन सा डी स्क्वायर में ऐड करना है फॉर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है एम क्यू माइनस एम डिवाइडेड बाई 12, तो ये याद रखना ऑप्शन नंबर बी 17 का एम क्यू माइनस एम डिवाइडेड बाई 12। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन विल यू गेट बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड एक्स रेवेन्यू एट अ कांस्टेंट प्राइस, बोला है कि यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन होगा, कंडीशन अप्लाई है कि जो प्राइस है वो ऑलवेज क्या है कांस्टेंट है, प्राइस क्या ऑलवेज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या वो समझो, मान लो एक पेन है जिसकी जो प्राइस है वो 5 रुपीज है, प्राइस कितनी 5, अब बात करते हैं एक्स को तो यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं और वाई को इनकम यानी सेल्स, सेल इनकम ले देते, ठीक है यहाँ पे सेल यूनिट, अब देखो एक यूनिट सेल हुआ तो कितना इनकम होगा 5 रुपीज, दो यूनिट सेल हुआ तो कितना इनकम होगा 10 रुपीज, थ्री यूनिट हुआ तो कितना 15, फोर होगा तो कितना 20। ध्यान से देखोगे तो रिलेशन कैसा हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि जो रिलेशन है वो क्या है, पहले तो पॉजिटिव है लेकिन कंटिन्यूसली हो रहा है और सेम लाइन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, तो परफेक्ट पॉजिटिव किधर है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बात समझ में आया। तो ये याद रखना किसी भी तरह से क्वेश्चन में वो आपको पूछ सकते हैं, तो बस आपको क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है तो ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3, ये रहा तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड ना थोड़ा सा ब्रेक 2 मिनट का, हमारे लिए ब्रेक नहीं होगा टेंशन नहीं लो। सो अब थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, अब देखो होगा क्या कि ये तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि चैप्टर नंबर 3 का है तो डायरेक्टली तुम्हें आंसर पता होगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली फंक्शनल रिलेशन कौन से वाले में दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें डेफिनेशन दिखाता हूँ, तो डेफिनेशन अगर यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली मेंशन है द मैथमेटिकल, देखो क्या मेंशन है द मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स विच हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम सम गिवन और नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। क्लियर है, तो याद रखना लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एक फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल दैट इज अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और वो क्या डिनोट करता है, ये डिनोट कर रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज हुआ वो डिनोट करता है। जैसे कि ऐसे समझो कि बारिश का होना वो क्या इंडिपेंडेंट है, लेकिन फसल का उगना वो क्या है डिपेंडेंट है, तो जैसे अच्छी बारिश होगी उसके बेस पे फसल भी अच्छा होगा, राइट। तो इनके बीच में क्या लीनियर रिग्रेशन है, क्लियर है। और जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें से इतना पढ़ते थे कोई रिलेशन है या नहीं है, और रिलेशन है तो कितना तक रिलेशन है मतलब कितना अच्छा बॉन्डिंग है, बट इसमें कितना परसेंटेज रिलेशन है क्या चेंजेस होता है वो भी डिनोट करते, दैट्स व्हाई इसको यहाँ पे डिनोट करते फंक्शनल रिलेशन। याद रखना ये वर्ड फंक्शनल रिलेशन और मैथमेटिकल रिलेशन, हालांकि जहां तक मैंने देखा नॉर्मली फंक्शनल रिलेशन ही पूछते हैं बोलो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिग्रेशन, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन क्या लिखा है द बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन कैन बी ऑब्टेन बाय व्हिच मेथड, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ये कैसे होगा तो यहाँ पे भी थ्योरी दिखा देता हूं मैं इसका, ये पेज नंबर आपके बुक में 120 है और मेरे लिए वही सेम 125 यानी 2-3 पेज ज्यादा होगा, नहीं 120 है तो 125 ही ये रहा,
हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है, रिग्रेशन लाइन ऑप्टेन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसको याद रखना, ऑप्टेन बाय द लीस्ट स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. क्लियर है? तो ये यहाँ पे क्लियरली बुक में मेंशन है, हालांकि आप लोगों ने कभी थियोरी रीड नहीं किया होगा, और दैट्स व्हाई मुझे स्टेट्स का जो है वो नोट्स, मतलब ये जो मैं यहाँ पे सब एमसीक्यूज प्रोवाइड करा, मुझे काफी टाइम लग गया कि मैं चाहता था कि बुक में भी मैं आपको दिखा दूं कि ईच एंड एवरी थिंग जो है वो बुक में आपके मेंशन होता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, तो मैं वही दिखाना चाहता, इसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम लग गया इस सब चीजों को करने में. ओके, तो अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये रहा, इन यूजुअल नोटेशन व्हाट इज बी वाई एक्स. तो सेम पेज नंबर पे एक्सप्लेन था बी वाई एक्स का मतलब क्या हो रहा है. बेसिकली एक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये बता रहा है कि एक्स के चेंज होने से वाई पर कितना चेंज हुआ है. बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं बी वाई, यानी वाई ऑन एक्स एक्चुअली में क्लियर है. और जब बी एक्स वाई होता है जिसको बोलते हैं एक्स ऑन वाई, बात समझ में, ये शॉर्ट में याद रखना है. तो बी वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट डिनोट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल डिनोट करता है. यहाँ पे वेरिएबल की बात आई नहीं रही है, इंटरसेप्ट क्या होता है तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है. तो चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ है, ये देखो द वैल्यू ऑफ बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड. तो उसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा थियोरी दिखा देता हूँ इसका. ये रहा, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये देखो, in a regression model dependent variable y is expressed, yahan suna, is expressed in the form of appropriate mathematical function of independent variable. basically kya karte hai, regression model mein hum dependent variable y ko express karte appropriate mathematical function mein. ab wo mathematical function kya hai, to yahan pe denote kar deta hu, mathematical function hai y is equal to alpha plus beta x plus u. kya hota hai, alpha plus beta x प्लस यू. अब वाई जो होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए होता है जो होता है कांस्टेंट वेरिएबल, बी होता है वो भी कांस्टेंट होता है, और यू जो होता है डिस्टरबेंस वेरिएबल ऑफ द मॉडल, मतलब जो चेंजेस होता है हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक और वही लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बीटा एक्स, सेम है. अब आगे यहाँ पे देखो लिस्ट वाले में, ये रहा, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, द वैल्यू बी इज ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑन वाई ऑन एक्स, जो मैंने क्लियरली बोल दिया वाई ऑन एक्स, राइट, इज आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन. याद रखना इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, जब बी वाई एक्स कैलकुलेट करते हो. एंड द कॉन्स्टेंट ए इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन. यही मेन बताने के लिए इतना मैंने समझा दिया कि जो ए होता है ना उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, किसका, रिग्रेशन लाइन का. क्लियर है? तो याद रखना जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, बी ये वाई कैप इज इक्वल टू ए, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखते हैं ना हम लोग, इसको ए को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट. बेसिकली ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, बट इसको यहाँ पे हम क्या नाम से जानते हैं, इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं. तो ये तुम्हें थोड़ा याद रखना होगा, एमसीक्यूज में हो सकता है आ जाए. ओके, तो हमारा जो आंसर है वो नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, द एप्रोप्रिएट चेंजेस इन द वाई, किसमें चेंजेस बोला है, वाई में. जैसा मैंने ऑलरेडी बोला वाई ऑन एक्स का मतलब होता है वाई जो है वो चेंज हो रहा है, बट ड्यू टू एक्स, तो इसको बोलेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स. क्लियर है? तो बी वाई एक्स का मतलब क्या बोलेंगे, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स. और अगर बी एक्स वाई लिखा तो हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होता, अरे ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन प्रेजेंट टाइम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब बोला कि कौन सा करेक्ट है तो वो समझना हमको. अब कौन सा करेक्ट है कैसे पता चलेगा, तो कौन सा करेक्ट है उसको जानने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे एक्स को डिवाइड में एक्स होना चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, तो पहले कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स है यहाँ पे भी एक्स तो लग रहा है, ये सही है, पर ऐसा फॉर्मूला नहीं है. रीजन ये है कि जब वाई एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं. ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, बी वाई एक्स, तो यहाँ पे वाई है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या, बी वाई एक्स आर इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स, मतलब ये सिंपल वाला, स्क्वायर वाला नहीं है, सिंपल वाला फॉर्मूला है. क्लियर है?
मे बी पॉसिबल कि इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना है कि सिंपल वाला फॉर्मूला हम लोगों का, ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला, एकदम ही सिंपल वाला फॉर्मूला दिमाग में वही याद रखना है, सिंपल वाला ही फॉर्मूला, यानी आर इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। अब ये कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने का मैंने क्या बताया कि जो लास्ट में होता है वो डिवाइड में आएगा, क्या बोला मैंने, जो लास्ट में होता है वो डिवाइड में आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स भी क्या हो गया यहाँ पे डिवाइड में हो गया, और वाई पहले है तो वाई जो होगा वो ऊपर होगा, क्लियर है, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, bx is equal to r into sy divided by sx, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट, क्या पूछा है, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज passes through which point, उसका जो आंसर होगा वो होगा x बार और y बार, मतलब ये जहां पे x बार और y बार मिलते वहां से एक्चुअली में वो गुजरता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरर इन e इन एस्टिमेशन इन केस ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, यानी एक्चुअली में आपको उसका क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है, उसका जो फॉर्मूला होता है y माइनस y कैप होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला था, वाई माइनस वाई कैप, किसका होता है ये फॉर्मूला, एरर का, तो ये याद रखना एरर का फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच रिग्रेशन लाइन इज यूज्ड इफ द सेल ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अब क्या बोला, ध्यान से सुनो इसको, क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच रिग्रेशन लाइन इज यूज्ड इफ सेल ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, राइट, और एडवर्टाइजमेंट वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है पर ये क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं बी वाई एक्स, क्या बोल सकते हैं इसको, बी वाई एक्स। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, मतलब पहले क्या आया है, सेल ऑफ कमोडिटी, फिर क्या आया है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो सेल ऑफ कमोडिटी और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें पहले ये चेक कर लो कि सेल ऑफ कमोडिटी कहाँ कहाँ दिया हुआ है, पहले सेल कहाँ दिया, इसमें पहले लिखा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल, नहीं कॉस्ट ऑन सेल नहीं है, यहाँ पे सेल ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, यानी ये कैंसल, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट तो ये भी कैंसल, सेल्स ऑन सेल्स ये भी कैंसल, यानी दोनों एक नहीं हो सकता, अलग अलग होना चाहिए ना, या तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल होगा या तो सेल ऑन एडवर्टाइजमेंट होगा, पर हमारा क्लियर बोल दिया है सेल ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, अब पूछा है रिग्रेशन लाइन कौन सा वाई ऑन एक्स का, तो अभी मैंने फॉर्मूला तुम लोग को ऊपर लिख के दिखाया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, यहां पे देखो कहां गया, नहीं यहां यहां लिखा था इस वाले पेज में, हाँ ये देखो लिखा कि नहीं, ठीक है, a प्लस बी एक्स मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि रिग्रेशन मॉडल जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें कहाँ गया, ये रहा, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट बिकम्स जीरो, क्या बोला है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट बिकम्स जीरो, पूछा है कि कौन से वैल्यू, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए जो हमारा रिग्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऐसा पूछा है तो जीरो का मतलब क्या होता है, पहले ये कोरिलेशन कोफिशिएंट में समझते हैं, जीरो इन, ध्यान से सुनना, जीरो किसमें, कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर में लिख देता हूं सिंपल में, इसका मतलब ये है कि x के इंक्रीज होने का, ध्यान से सुनना, x के इंक्रीज होने का y के इंक्रीज और डिक्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से सुनना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया, ये होता है जीरो कोरिलेशन का मतलब, बात समझ में आया, कोरिलेशन कोफिशिएंट के केसेस में अगर ऐसा है कि जीरो रिलेशन का मतलब ये हुआ कि एक्स का अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट वाई के इंक्रीज या डिक्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक्स बढ़े या घटे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, बात समझ में, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या डिनोट करता है, एक्चुअली में रिलेशन डिनोट करता है कि किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन है क्या, मतलब इंक्रीज होने से वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने ये देखा अभी अभी जो हमने एमसीक्यूज किया था, हमने क्या देखा था कि एक्स का इंक्रीज हो रहा है तो वाई का भी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन है, और एक्स का डिक्रीज हो रहा है वाई का डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव रिलेशन है, पर समटाइम्स ऐसा होता है इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने पे इसके इंक्रीज या डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन बोलते हैं, बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is coefficient of determination in the study of regression for two variables? क्या बोला है? What is coefficient? ध्यान से सुना, क्या बोला है? What is coefficient of determination in the study of regression of two variables? तो इसका मैं तुम्हें दिखाते हूँ कहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये बुक में ही सब चीजें मेंशन है, पर हम लोग उतना ध्यान कभी नहीं देते, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है।
तो पेज नंबर है 138 है, तो 138 ये रहा। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या मेंशन किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये आर क्या होता है, तो आर का मतलब हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेकिन क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि हमें इस ऑप्शन में स्क्वायर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो लिखा है स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्लियर है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिग्रेशन लाइन इज वाई कैप इज इक्वल टू 10 + 3x, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 20। क्या पूछा है, इफ द रिग्रेशन लाइन इज वाई कैप इज इक्वल टू 10 + 3x, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ वाई फॉर एक्स। राइट, मतलब ये पूछा है कि भाई ये तुम्हें वैल्यू दिया है, अब बोला है कि भाई फाइंड आउट करके बता वी एक्स क्या होगा, जब जहां पे सॉरी वाई क्या होगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो 20 हो। तो यहाँ पे फॉर्मुलेज में क्या करना, सिर्फ वैल्यू रख देना है, वाई कैप इज इक्वल टू 10 + 3x, क्लियर है, वाई कैप इज इक्वल टू 10 + 3x, एक्स की वैल्यू कितना है 20, तो 20 × 3 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, प्लस 10, यानी 60 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 70। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू बी वाई एक्स इफ द रिग्रेशन लाइन इज 2x + 3y - 50 इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इफ द रिग्रेशन लाइन इज 2x + 3y - 50 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, बोला कि बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी जब रिग्रेशन लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है। राइट, अब रिग्रेशन लाइन दिया, बी वाई एक्स की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे फॉर्मुला में जो हमें क्लियरली ऐसा मेंशन होता तो मैं बोल देता कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाता, पर यहाँ पे ऐसा क्लियर नहीं पता चला। तो क्या करोगे, इसको यहाँ पे कुछ समझना जरूरी है, उसके लिए पहले मैं तुम्हें कुछ रूल्स दिखा देता हूँ। पेज नंबर 143 पे है, ये रहा 143, ये वाला देखो। अब इसमें क्या लिखा है, वी नो दैट रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ पॉइंट एक्स बार वाई बार, जो ऑलरेडी हम लोग का एक एमसीक्यू था। ओके, तो याद रखना कि गलती से भी 00 मत लिख के आना। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर हमारे स्कूल में 00 बताया गया है, तो मैं क्लियरली बता यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि वी नो दैट द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ पॉइंट एक्स बार वाई बार, क्लियर है। सो द वाई कैप ऑब्टेन बाय पुटिंग एक्स बार इन द प्लेस ऑफ एक्स इन द रिग्रेशन लाइन वाई बार, और द एक्स ऑब्टेन बाय पुटिंग वाई बार इन प्लेस ऑफ वाई बार इज एक्स बार। कहने का मतलब क्या है, इसका सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे लिख के सिंपल लैंग्वेज में क्या एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देखो। इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ये कहना चाहता है कि जो वाई कैप है ना वही वाई बार है, और वही हमारा क्या है, वाई है, समझ में आया। और दूसरा ये बोला है जो हमारा एक्स बार है वही एक्स कैप भी है और वही एक्स भी है। मतलब ये है कि जब एक्स बार और वाई बार से वो पास कर रहा है थ्रू, मतलब उसके वहां से जा रहा है, गुजर रहा है जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली, सेम रहने, मतलब वाई कैप जो होगा वो वाई बार के इक्वल होगा। वाई कैप मतलब ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, वाई कैप इज इक्वल टू वाई बार के इक्वल होगा और वाई के भी इक्वल होगा, और एक्स बार इज इक्वल टू एक्स कैप के होगा और एक्स के इक्वल होगा, समझ में आया। यानी कि जो तीनों की वैल्यूज जो है वो ऑलवेज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा, 2x + 3y - 50, यहाँ पे क्या लिखा है, 2x + 3y - 50 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए ना, तो y को पहले आगे रख लो, बाकी सब उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा -2x, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50 - 2x / 3, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 50 / 3 - 2x, ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया, y इज इक्वल टू 50 / 3 - 2/3x, क्लियर है इतना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला था वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अभी ध्यान से देखो तो b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर है -2/3, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -2/3। तो -2/3 का है, यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर सी -2/3, क्लियर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा -2/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला है द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई कैप इज इक्वल टू 30 - 1.5x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई कैप इफ एक्स बार इज 10।
और अभी मैंने एक्सप्लेन किया वाई कैप इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू वाई, तो हमें फाइंड आउट करना है वाई बार, यानी अगर मैं वाई कैप फाइंड आउट कर लेता तो वाई बार की इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि एक्स बार और वाई बार के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कितनी है 10 है, पर यहाँ पे तो कहीं एक्स बार होता ही नहीं है, तो वो भी हमने रीड किया कि एक्स बार इज इक्वल टू एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स होता है, मतलब ये है कि डायरेक्टली हम इस वैल्यू में फॉर्मूला रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 - 1.5 × 10 यानी 30 - 15, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम वे में अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है u इज इक्वल टू x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 15 सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड v by x इज इक्वल टू 7.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b v u, क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b v u। ओके, अब यहाँ पे b v u की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताता हूँ, और जो रूल्स क्या है वो ध्यान से सुनना। रूल्स ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, रूल्स ये है कि हम लोगों ने देखा है कि u और v फाइंड आउट करते हैं, u कैसे फाइंड आउट करते हैं x माइनस a से, और v कैसे फाइंड आउट करते हैं y माइनस b से। एक मिनट, कैसे फाइंड आउट करते हैं x माइनस a से और v कैसे फाइंड आउट करते हैं y माइनस b से, क्लियर है। याद रखना जब ऐसा सिचुएशन होता है, मतलब जब ऐसा सम में मेंशन हो, क्या मेंशन हो, ऐसा मेंशन हो कि u इज इक्वल टू x माइनस a और v इज इक्वल टू y माइनस b, सिर्फ इतना मेंशन हो, इसका मतलब ये हुआ ऐसे केसेस में b y x की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हो जाएगा b v u की वैल्यू, क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा जब ऐसा मेंशन हो v इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय c x, ओके, और v इज इक्वल टू y माइनस b इज इक्वल टू सी वाई, जब ऐसा मेंशन है, जब क्वेश्चन में यहाँ पे डिवाइड में कुछ हो, ओके, जब डिवाइड में कुछ हो तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स, सेम वही लॉजिक, एक्स बाद में है तो वो नीचे आएगा, वाई पहले है तो वो ऊपर आ जाएगा, ओके। अब ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में तो हमें ये सेकंड वाला मेथड दिया है ना, एक्स माइनस 15 वाला करके, अब हमें पूछा है बी वी यू पूछा है और बी वाई एक्स मेंशन है, तो बी वी यू पूछा है ना, तो यहाँ पे बी वाई एक्स मेंशन है और बी वाई एक्स कितना मेंशन है 7.5, और बी वी यू पूछा है और सी वाई कितना है, तो सी वाई है 2 और सी एक्स है 10, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा 7.5 × 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी वी यू, तो बी वी यू सॉल्व करते यहाँ पे हो जाएगा 5, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 7×5 = 25 यानी 37.5, तो बी वी यू इज इक्वल टू 37.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लगा के तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछ सकता है, भले यहाँ पे ये दिया है इसलिए मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ आर इज इक्वल टू 0.8 हाउ मच पार्ट ऑफ टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल। अब ये बोला भाई कितना एक्सप्लेन हो सकता है, तो सेम चलते हैं, पहले इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। इसका जो थ्योरी है वो है पेज नंबर 130 पे, कोरिलेशन को डिटरमिनेशन वाला वहीं पे मेंशन है, ये रहा, ठीक है, कोरिलेशन ऑफ डिटरमिनेशन यहाँ पे मेंशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहीं पर है। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे लिखा है हाउ मच वेरिएशन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई कैन बी एक्सप्लेन इन द रिग्रेशन लाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, क्लियर है, यानी कितना एक्सप्लेनेशन है वो कैसे मिल जाएगा, कोरिलेशन डिटरमिनेशन से मिल जाएगा, बट कैसे मिलेगा, इफ आर इज इक्वल, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा भी है, इफ आर इज इक्वल टू 0.9 फॉर सम डेटा देन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज 0.9, यानी कि 0.9 का होल स्क्वायर यानी 0.81, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन में चेक किया था। तो इसका मतलब ये है कि 0.9 स्क्वायर का हो जाएगा 0.81, पर हम लोग को पूछा एक्सप्लेनेशन का, तो उसका यहाँ पे लिखा देयरफॉर आर स्क्वायर इनटू 100%, मतलब ये हो जाएगा 0.81 × 100%, तो ये आ जाएगा 81%। सो इट कैन बी सेड दैट टोटल वेरिएशन इन वेरिएबल वाई द एक्सप्लेनेशन ऑफ 81% इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन, मतलब 81% तक का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो यहाँ पे पूछा कितना एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे है 0.8, क्या लिखा हुआ 0.8
8, तो ध्यान से सुनना अभी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन हमने देखा कि 100% लिख देना यहाँ पे, तो आर स्क्वायर कितना है, आर की वैल्यू 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर करो और लिख दो यहाँ पे 100%, तो 0.8 मतलब 0.64 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.64 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 64, क्लियर है। तो 64 का मतलब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64%, क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 64%, बात समझ में आया। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 पूरा एक्सप्लेन हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसा भी हो आप मुझे जरूर बता देना, ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत लग गई है, चार दिन से इसमें बहुत माथा कुच्ची हो गया है। तो आई होप कि थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, और जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव दैट डजंट मैटर, आप मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 4, ओके। तो चैप्टर नंबर 4 बताने से पहले मैं थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेता, आपके लिए कोई ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू कर दूंगा बाद में, ओके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का टाइम सीरीज, ओके। इसके ऑप्शंस देखते हैं, सबसे पहले क्या है एमसीक्यूज, व्हिच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ड्यू टू सीजनल कंपोनेंट। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है सीजनल कंपोनेंट जो है, ठीक है, मतलब इसमें से बोला है व्हिच टाइप ऑफ वेरिएशन, मतलब कौन से टाइप का वेरिएशन होता है सीजनल वाले में। तो सीजनल वाले में देखो, मैं ये इसका आंसर तुम्हें एक्सप्लेन करूं, उससे पहले काम करना तुम लोग, अगर पॉसिबल हो, पॉसिबल हो तो पेज नंबर 160, कौन सा पेज नंबर, तुम्हारी बुक का पेज नंबर 160, यानी इसके अकॉर्डिंग मे बी शायद 165 हो, नहीं, हाँ ये देखो पेज नंबर जो ये 160 है ना, यहाँ पे जो ये थ्योरी मेंशन है सीजनल कंपोनेंट, फिर उसके बाद साइक्लिकल कंपोनेंट, रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट, और फिर उसके बाद एक ये यहाँ पे है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, इसको एक बार रीड कर लेना, इससे क्या होगा, इसमें से इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो सब इसी सब के सब इसमें से ही आते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे मैं तुम्हें अंडरलाइन करके समझा देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंपोनेंट की, तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ लिटरेट्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया बट चेंज इन टेकिंग प्लेस स्लोली इन द लास्ट 60-70 ईयर्स, generally the cause of such variations are changing customs, society changes in taste, choices of people, technology changes in industry, ये जो होता है ना ये long term वाले में चला जाएगा, यानी जिसमें time ज्यादा लगता है। फिर बात करते हैं seasonal में, तो seasonal में क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा है the variation occurring in times is variable almost regularly over a very short period of time, यहाँ याद रखना है regularly over a very short period of time is the effect of seasonal component, clear है, यानी seasonal component में जो time period होता है वो कैसा था, very short होता है। तो अगर answers मिलते जा रहे तो उसको भी मैं टिक करके आगे बढ़ते जाते, फिर जो भी आते जाएगा वो मैं explain करते जाऊंगा, यानी जो इसका answer होगा वो क्या हो जाएगा, very short period। यहाँ पे लिखा which type of variations are regular, are produced in the time series, तो time series में क्या होगा, regular, यहाँ पे clearly word लिखा ना regularly, ओके okay, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा शॉर्ट पीरियड तो दिया नहीं, मतलब रेगुलरली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म तो वाला नहीं होगा, इरेगुलर होगा नहीं, जीरो है नहीं, यानी रेगुलर हो जाएगा, क्लियर है, रेगुलर या शॉर्ट टर्म, आप लिखा ना वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली। अब सीजनल का मतलब क्या है, जैसे कि ऐसे समझो, जैसे अभी जो है वो कुछ दिनों में गर्मी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है ऑलमोस्ट, राइट, समर है, उसके बाद है तुम्हारा ये मॉनसून सीजन आ जाएगा, फिर विंटर सीजन है, तो ये जो क्या वो रेगुलर बेस पे चलता रहता है, तुम चाहो या मत चाहो वो चेंजेस होने वाला है और अपने आप वो होता रहेगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच वेरिएशन इज सोन इन डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे बोला है डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी के लिए कौन सा है, ड्यू टू स्ट्राइक। अभी जो स्ट्राइक है ये कौन सा होता है, क्या ये साइक्लिकल होता है, क्या ऐसे टाइम पीरियड पे डिसाइडेड होता है भाई ऐसे ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं, क्या ये सीजनल है, सीजनल का मतलब पता ही है ना, सीजन जैसे मौसम वाला जो मैंने बोला कि जैसे दिवाली का सीजन हो गया, होली का सीजन हो गया, तो क्या ये सीजनल है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या है ट्रेंड, तो क्या स्ट्राइक का कहीं पे ट्रेंड होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ट्रेंड नहीं होता, अगर ट्रेंड ऐसा होता तो फिर बात अलग ही होती। उसके बाद अगला क्या हमारा रैंडम, तो स्ट्राइक जो होता है ना वो बेसिकली कैसा होता है, रैंडम होता है, कोई डिसाइड नहीं करता है कब क्या हो जाए, जैसे अभी इंडिया में अभी हाल ही में जो न्यूज आई है एज पर 28 और 29 को 2 दिन के लिए बैंक वाले ने स्ट्राइक किया है, तो वो क्या रैंडम ही हुआ ना, ऐसा थोड़ी था कि प्री डिसाइडेड था, साइक्लिकल का सीजन था कि हर साल इसी दिन को हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली स्ट्राइक कर, मतलब सॉरी रैंडमली बोला, हर साल इसी दिन हम लोग स्ट्राइक कर देंगे, राइट, ऐसा कोई सीजनल तो है नहीं। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नेम द मेथड
forfeited the linear equation to the find linear trend. याद होगा तो इसके पहले वाले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 3 में भी ये fitted वाला वर्ड आया था, तो वहां पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे मैंने बोला था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. तो याद रखना जहां पे भी ये वर्ड आ जाता है तो समझ लेना कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है. क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये रहा, हाउ डू यू शो द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज. क्या बोला है, हाउ डू यू शो The additive model of time series. तो time series का additive model क्या होगा, उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि time series में actually है क्या. तो time series में कौन कौन सी चीजें include है, तो पहले देखोगे यहाँ पे तो number one long term component, number one क्या long term component, number two क्या seasonal, number three क्या cyclic, number four है random और irregular. clear है? random और irregular चार चीजें हैं. पहला क्या है long term, दूसरा seasonal, तीसरा cyclical, चौथा random और irregular. clear है? और इसको denote कैसे करते हैं, इसको denote करने का जो way है वो ये है TT, ST, CT और RT. clear है? time, season, cyclical और random. ओके यानी टोटल चार ऑप्शंस हैं. तो क्या है टीटी एसटी सीटी और आरटी, तो चारों ऑप्शन जो है ना चाहिए प्लस होना चाहिए. तो पहले यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये कैंसिल, ये मल्टीप्लिकेशन, ये कैंसिल, इसमें तो तीन ही ऑप्शन बताए, ये भी कैंसिल. तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ का बी, क्या हो जाएगा टीटी एसटी सीटी और आरटी. ओके नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज. अब चार ऑप्शंस हैं, अब पूछा चारों में से कौन सा ऐसा है जो इंडिपेंडेंट होता है. तो टाइम सीरीज है ना, तो टाइम मतलब बेसिकली हम किसकी बात करें, टाइम की बात करें. तो जो टाइम है क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, जैसे अगर तुम चाहोगे तो ये 2022 चला उसको बदल सकते हो, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, राइट. अगर ऐसा होता तो सबसे पहले लोग 2020 को ही बदलते हैं, लोग जो कोरोना आया था सबसे पहले लोग उसी को बदलते थे, राइट. तो वो तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स वी कैन नॉट चेंज इट. ओके जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टी. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which component of the time series is impossible to predict? क्या बोला है? Which component of the time series is impossible to predict? चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है. अब जैसे इसमें चार ऑप्शन है, पहले लिखा साइक्लिकल. साइक्लिकल मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा बिजनेस में मार्केट में जो भी चेंजेस होता है वो साइक्लिकल होता है, राइट. सीजनल मौसम के अकॉर्डिंग होता है. ट्रेंड, तो ट्रेंड भी तो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अभी भाई ये ट्रेंड चल रहा है तो फ्यूचर में ऐसा डिमांड होने वाला है. पर रैंडम एक्सपोनेंट कंपोनेंट जो होता है, रैंडम का मतलब क्या है, जिसका कोई भी कुछ डिसाइड नहीं होता, रैंडमली हो गया है, राइट. तो रैंडमली का मतलब क्या होता है, जिसको ट्रेंड करना, जिसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है. और हमारा क्वेश्चन में यही पूछा है विच कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट. तो यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रैंडम कंपोनेंट. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशंस आर ड्यू टू साइक्लिकल. क्या बोला है, ड्यू टू साइक्लिकल. साइक्लिकल जब भी वर्ड आता है तो एक बात याद रखना, बेसिकली साइक्लिकल जो है ना वो ज्यादातर रिलेटेड होता है मार्केट से. किससे रिलेटेड होता है, मार्केट से, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बिजनेस से रिलेटेड होता है. ओके तो बिजनेस से रिलेटेड, तो इसमें रीड करते कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है. तो नंबर वन, राइज इन डिमांड ड्यूरिंग विंटर. विंटर तो सीजन होता है ना. कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डेथ रेट, तो डेथ रेट का कोई मार्केट होता है क्या, नहीं. डिक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेसिव रेन. एक्सेसिव रेन, रेन कौन सा है, ये भी तो सीजन है ना. यानी बचा ऑप्शन बी, क्या लिखा, डिक्रीज इन द शेयर प्राइसेस ड्यू टू रिसेशन इन द शेयर मार्केट. तो ये आया ना, जहां पे शेयर मार्केट में रिसेशन हुआ वहां पे शेयर प्राइस की डाउन हो जाता है. तो ये क्या था, साइक्लिकल कंपोनेंट में आ गया. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. बात समझ में आया? तो जो मैंने तरीका वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि चारों याद रखना और चारों के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो तुम्हें इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर होगा डिक्रीज इन शेयर प्राइस ड्यू टू रिसेशन इन द शेयर मार्केट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला है द ट्रेंड इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ टाइम सीरीज फ्रॉम जनवरी 2016 टू दिसंबर 2016 इज y कैप इज इक्वल टू 30.1 प्लस 1.5 t. फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेंड फॉर अप्रैल 2016. अब बोला अप्रैल के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ओके और यहाँ पे तुम्हें एक इक्वेशन दिया, बोला इक्वेशन में t की वैल्यू रख के तुम्हें फाइंड आउट करना है कि अप्रैल का क्या होगा. तो जो टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज का सबसे बेस्ट ये है कि टाइम सीरीज सॉल्व करना सबसे आसान है. रीजन ये है कि हमें सिर्फ t एज्यूम करना है. तो यहाँ पे अप्रैल में बोला है, कहाँ पे बोला है, अप्रैल में बोला है. लेकिन ये स्टार्ट कब से होता है, वो स्टार्ट होता है जनवरी से. यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल. तो जनवरी में एक, फरवरी में दो, मार्च में तीन और अप्रैल में चार. यानी जो हमारा टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा. तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, 30.1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30.1 प्लस 1.5 इंटू 4 ये हो जाएगा 6.0, यानी 36.1. यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 36.1. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
फ्लक्चुएशंस इज द इफेक्ट ऑफ सीजनल। अब बोला इसमें से कौन सा सीजनल है, एक बार रीड करते हैं, समझते हैं कि सीजनल कौन सा होता है। इंक्रीज इन माइग्रेशन टू सिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज, तो क्या ये सीजन के अकॉर्डिंग होता है? ऐसा होता है कि लोग बरसात में गांव चले जाते हैं फिर गर्मी में शहरों में आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता ये, राइट। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स इन रोड्स इन सिटीज, क्या कोई सीजन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। फिर लिखा इंक्रीजिंग डेथ रेट ड्यूरिंग अ सर्टेन एपिडेमिक, अब एपिडेमिक जो क्या वो सीजनली आता है? अब एपिडेमिक अगर सीजनली आता है तो कोरोना पता है हर 4 महीने में आ जाता, आप समझे कि नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग स्कूल वेकेशन। अब स्कूल वेकेशन कब होता है? तो स्कूल वेकेशन नॉर्मली हम मनाते हैं समर वेकेशन, राइट। और समर मतलब क्या, ये एक सीजन है कि नहीं, यानी समर वेकेशन ये सीजनली होता है, क्लियर है। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द स्कूल वेकेशन, क्लियर है। तो ये आंसर हो जाएगा सीजनल का, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट में बोला है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड इज बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, क्या बोला है? इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से पूछा कि कौन सा बेस्ट मेथड है, ओके। अब कौन सा बेस्ट मेथड है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पेज नंबर चलते 177 पे, पेज नंबर 177, यानी 177 मतलब मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा 180, 177 दिखते हैं आया कि नहीं, 176, 177 ये रहा, ये रहा, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, एक्चुअली आंसर जो इसका वो होगा वो क्या होगा, मूविंग एवरेज होगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट यूजिंग द एवरेजेस एंड ट्रेंड, क्लियर है। मैं सिर्फ आंसर नहीं तुमको बताना चाहता, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये टिक करके एक्सप्लेन किया है, मतलब मैंने आंसर्स को ढूंढा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और वो पेज नंबर राइट डाउन कर लिया, वही मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो याद करना है, द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट यूजिंग द एवरेज एंड ट्रेंड ऑफ द सीरीज इज ऑप्टेंड, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग एवरेजेस। और सेकंड में क्या लिखा है, द कैलकुलेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड एज इट इज कंपैरेटिवली लेस एंड सिंपल, हाँ ये तो बात सही है, ये थोड़ा इजी भी होता है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है ग्राफिकल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, कार्ल पियर्सन, लास्ट है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, क्लियर है इतना। और ये जो थियोरी है वो भी मैंने बता दिया, उसमें क्लियरली लिखा है कि वो जो एलिमिनेट कर देता है शॉर्ट टर्म को और लार्ज एक्सटेंट तक, दैट्स व्हाई ये ज्यादा बेटर होता है, ओके। तो ये था हमारा पार्ट वन का एमसीक्यूज, तो पार्ट वन का एमसीक्यूज आप लोग तब तक देखते रहो, मैं थोड़ी ही देर में आपको पार्ट टू का भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो अब पार्ट वन का अच्छे से देख लो, जो भी डाउट्स हो पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैसेज कर सकते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। फिलहाल अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।